तो क्या हाल है भी भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई मुनावर भाई का ट्रैक आउट हुआ है कल ख्वाहिश, तो सुनते हैं कैसा होने वाला है। वैसे थोड़ा बहुत सुना है भाई, काफ़ी अच्छी लाइन है भाई ने लिखी है, तो सुनते हैं भाई पूरा सुनते हैं, थोड़ा बहुत क्यों सुनेंगे पूरा ट्रैक भाई। वैसे कॉमेडी करते हैं, शायर भी है, रैपर भी है भाई, बहुत कुछ। सो लेट्स गो। ओह माय गॉड, ग्रोवर्स डिलीवर सर्टिफाइड सिल्वर कॉइंस इन जस्ट 10 मिनट्स, ऑर्डर नाउ। ऐड इतने आते हैं, फिर एक और। लेट्स गो। नागपाड़ा का राइडर, ट्रैक का नाम है पहले, अब ये ख्वाहिश है। आंखें लाल अब काली रात हो जाएगी, लिखने बैठो शायरी हो जाएगी। जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है, उतनी दूर इनकी सोच भी नहीं जाएगी। जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है, उतनी दूर तक इनकी सोच भी नहीं जाएगी। एकदम कर्री लाइन है, देखो स्टार्टिंग की लाइन ही आपको सुन के मज़ा आएगा। रियलिटी रियलिटी जो है होती है ना, एक लाइफ से रिलेट करती हुई, या किसी ने स्ट्रगल किया तो वो चीज़ जो लिखी जाती है वो बताई जाती है, वो चीज़ देखो मुनावर भाई ने कैसे बताई। आंखें लाल अब काली रात हो जाएगी, हो जाएगी। दर्द लिखने बैठो शायरी, शायरी हो जाएगी। जितनी दूर मेरी बात जाने वाली है, उतनी दूर इनकी सोच भी सोच नहीं जाएगी। जाएगी मुझे गिराने की फिराक में ये बैठे हैं, रेवर गिराने चिराग लिए बैठे हैं। पूछते हैं मैंने देखा क्या है जिंदगी में, मैंने जन्नत के जनाजे उठते देखे। हम दर्द मुझ पे दर्द जुल्म करे, दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद करे। सिकंदर जैसे की कब्र का ठिकाना नहीं, बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड करे। बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड कर, मतलब रियलिटी ये है, लोग अपने आप में ज़्यादा समझते हैं ना चीज़ें। भाई देख, तू भी मिट्टी का और हम भी मिट्टी का, मतलब घमंड होता है ना कि लोगों में, कि पैसे का घमंड हो या पैसे का घमंड हो, चीज़ों का घमंड होता है। तो वही चीज़ देखो, लाइन कितनी सिंपल है बट समझने की खेल है। कब्र का ठिकाना नहीं, मिट्टी के किस बात का घमंड, घमंड कर। खाने से ज्यादा नमक जख्मों पे था, तीन गैरों पे शक अपनों पे था। कुछ हुआ जब देखा लौटते इकबाल को, नहीं वो लौटा नहीं, मैं सपनों में था। तरबियत पे मेरी ये सवाल कर रहे हैं, मेरे उरूज पे दुआएं सवाल कर रहे हैं। डूब जाती थी कश्ती मेरी कागज की, आज कागज भी मेरे कमाल कर रहे हैं। पहले बचपन में होता ना कि हम पानी वगैरह में नाव बनाते, तो वो डूब जाती थी कश्ती कागज की पानी में, आज कागज ही कमाल कर रहे हैं। भाई जो लिखता है, मतलब कि चाहे रैप के थ्रू मानो, भाई शायरी भी लिखते हैं वो भी, और कॉमेडी जो करते हैं, तो समझ रहे हो, आज कागज भी कमाल कर रहे हैं भाई साहब। घर में भूला माँ के हाथ के जायके, बहन देती फिर भी सदके अपने भाई के। दोस्त कहते मैं तो यारों का भी यार हूँ, और लड़के बैठा मैं खुद अपने भाई से। मंजिल पे थी मौत में डरता कैसे, 1200 की जॉब कर्ज अदा करता कैसे। मैं जोकर जैसा हंसता था तकलीफ में भी, मेरे अंदर का ये अदाकार मरता कैसे। मेरा जिक्र बंद करो, मैं कोई आयत नहीं हूँ, दुनिया भरे भी मैं खुद वफा के लायक नहीं हूँ। सवाल चलेंगे तो हाथ इनके कांपेंगे, टिकट मेरा है, मैं एक दिन वाला नायक नहीं हूँ। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा के कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सभी कहते मैं सितारा बन गया हूँ। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, पूरी सभी कहते मैं सितारा बन गया हूँ। अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तोल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया। खुशबू सब में पहचानता मैं नस्ल कैसे, गया फूल लेने काटे सारे तोड़ लाया। मैं शेर, ये सारे मुझको शायर कहते, मैं तो हूँ राग, ये फिर भी मुझको फायर कहते। फिकर में जनता कहती मर जाए अगर तू, देख मेरा टाइम आया मुझको सब मुराद कहते। मौत मुकम्मल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। बिना वजह स्टेडियम तालियों से नहीं भर देगा तब तक, खुदा की कसम भाई जाने वाला कहीं नहीं, मतलब मरने वाला नहीं हूँ। ये लाइन देखो कितनी खतरनाक लाइन है। तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, स्टेडियम कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। बिना वजह इनका जलना मुझ पे आम है, पूछते हैं जब कोई मुझसे काम है। चिल्लर जैसे बचते आस पास मेरे, ये इनकी अकलों से भी मोटे मुझ पे दाम है। बर्तन बेचे तो घर पे मेरे मील आया, वो बोले चोर जब खिलौना में छीन लाया। खेलता था खो खो आज को
घर के बर्तन बेचे तब जाके मील आया, मैं छीन लाया मतलब खिलौना, तो बोला चोर आया, चोर बोला गया। लाइफ की होगा भाई कुछ ना कुछ, लाइफ से रिलेट करती हुई चीज़ है, भाई की लाइफ के ऊपर है या दूसरे की, सो वो पता नहीं वैसे। मोटे मुझ पे दाम है, बर्तन बेचे तो घर पे मेरे मील आया। बोले चोर जब खिलौना में छीन लाया, छीन लाया। खेलता था खोखो, आज खोखो में खेलता हूँ। कैसे करके लॉक करो की डील आया, सीढ़ी पे चढ़ा तू रोकने को सांपला, बेवजह दादागिरी नहीं जा अपना बापला। आज संगी है दो गलो पे आग लिख दो, सोहेल कहीं से जाके फायर प्रूफ बनने ला। कला ये देख मेरी सारे हक्के बक्के रहते, 200 फैन पेज आइडल मुझको हक से कहते, हंसा कर कितनों को आबाद किया है मैंने, ये बात मैं नहीं ये बात मेरे व्यूज कहते। होता तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था लगा लश्कर लेके आया था। पूछेंगे किसकी है लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा दे कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा दे कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। रियल स्टोरी मुनावर फारूकी की होगी, 101% चीज़ें। पहले भी भाई के ट्रैक सुने हैं तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि हाँ जो बंदा लिखता है उसी मतलब वही गा पाता है अच्छी तरीके से, उसके साथ बीती हुई चीज़ें होती हैं। सो ऐसा ही कुछ इस ट्रैक में, बस खत्म है ट्रैक कुछ स्टोरी के थ्रू। तालियां से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। भाई लाइन वही थी जो अभी इस ट्रैक में आई थी भाई साहब, पावर। मतलब भाई देखो कॉमेडियन है, रैप भी करते हैं एंड शायरी वगैरह भी, रफ्तार भाई के साथ सबके साथ भाई दिखते हैं, एक पता चल जाती है चीज़ें। देखो यहाँ लिखाई देखो कितनी साफ है और क्लियर है, मतलब बंदा रिलेट करेगा चीज़ें, बंदे ने देखी हैं, मूवी वगैरह देखते हैं ना तो चीज़ें देखी हुई होती है कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सो ऐसा ही है, देखो यहाँ आपको डिसलाइक और लाइक बता देंगे भाई कितनी सच्चाई है कितना फेक पन है इस ट्रैक में। सो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने सुन लिया तो मुझे ज़रूर बताएं, और नहीं सुना तो चेक कर सकते हैं, और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए